आज हम एमएससी प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में यूनिट फोर्थ स्टार्ट करेंगे। यूनिट फोर्थ में हमें रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, O2 इनहेल करते हैं और CO2 बॉडी के बाहर एक्सपेल करते हैं। हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बता रखा है, जैसे कि ट्रेकियल रेस्पिरेशन के बारे में, गिल्स के रेस्पिरेशन के बारे में और लंग्स से कैसे रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में। आज जो हमें रेस्पिरेशन डिटेल में डिस्कस करना है वो है रेस्पिरेशन इन ट्रेकिया, कि ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे गैसेस एक्सचेंज करता है, O2 इनहेल करता है और CO2 बाहर एक्सपेल आउट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कैसे रेस्पिरेशन करता है। तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करने के लिए आज हम कॉकरोच का एग्जाम्पल लेंगे। कॉकरोच के एग्जाम्पल को लेते हुए आज हम ट्रेकियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कॉकरोच में कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता ब्लड में। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, मतलब जो डायरेक्ट प्रोसेस होता है O2 को इनहेल करना और CO2 को एक्सपेल करना, वो कॉकरोच में एबसेंट होता है। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड, ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता कॉकरोच में। सो कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सपेल CO2 आउट ऑफ द बॉडी। ना कि वो ऑक्सीजन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में भेज सकता है और ना कि वो CO2 को बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर सकता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का और CO2 का, यानी गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, वो कॉकरोच में ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होती है। एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम है ट्रेकियल सिस्टम, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज में ट्रेकियल सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। कॉकरोच का ब्लड कलरलेस होता है क्योंकि कोई भी इसमें स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। इसमें ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो कॉकरोच में क्या पाया जाता है, ट्रेकियल सिस्टम इज प्रेजेंट इन कॉकरोच। एवरी टिश्यू ऑफ देयर बॉडी रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट एयर फॉर गैसेस एक्सचेंज। ट्रेकियल सिस्टम में क्या होता है, जो टिश्यूज है बॉडी के, जो टिश्यूज है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है एनवायरमेंट के गैसेस एक्सचेंज के लिए। ट्रेकिया प्लेज ए वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। जैसे कि मैंने बताया ट्रेकियल सिस्टम है तो इसमें क्या पाए जाएंगे, ट्रेकिया, और यही ट्रेकिया एक वाइटल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी रेस्पिरेशन के लिए, O2 को इनहेल करने के लिए और CO2 को बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए। हेंस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रेकियल सिस्टम। इसीलिए इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। अब इस ट्रेकियल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेकियल सिस्टम में इंक्लूड होता है स्टिग्मेटा, या फिर हम कह सकते हैं स्पायरेकल्स। इसी के थ्रू एयर इनसाइड इनहेल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेकिया और थर्ड है ट्रेकियल्स। इन तीन ट्रेकियल सिस्टम के, इन तीन स्ट्रक्चर की हेल्प से कॉकरोच ट्रेकियल सिस्टम परफॉर्म करता है और गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन शो करता है। अब हम इनको स्टिग्मेटा या फिर स्पायरेकल्स, ट्रेकिया एंड ट्रेकियल्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेकियल सिस्टम में इंक्लूड फर्स्ट स्ट्रक्चर स्पायरेकल्स या फिर स्टिग्मेटा की बात करें तो स्पायरेकल या फिर स्टिग्मेटा होता क्या है। मेन ट्रेकियल ट्रंक्स बॉडी की सरफेस पर 10 पेयर सेगमेंटेड रूप से अरेंज अपर्चर्स के माध्यम से बाहरी रूप से खुलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पायरेकल्स। मतलब जो मेन ट्रेकियल ट्रंक है, मेन ट्रेकियल ट्रंक है वो बॉडी की सरफेस पर 10 पेयर सेगमेंटेड रूप से अरेंज अपर्चर्स होते हैं, यानी सेगमेंटली अरेंज छिद्र होते हैं जिनके थ्रू यह बाहरी रूप से खुलते हैं, जिन्हें कहते हैं हम स्पायरेकल्स। अब ये स्पायरेकल कितने प्रेजेंट है, सेगमेंटली प्रेजेंट है, तो कितने सेगमेंट है इसके, 10 पेयर सेगमेंट अरेंज सेगमेंटली, 10 पेयर स्पायरेकल अरेंज सेगमेंटली, जिसमें 2 पेयर कहाँ प्रेजेंट है, थोरेक्स रीजन में, और 8 पेयर प्रेजेंट है एब्डोमेन रीजन में, यानी हर एक सेगमेंट पे, एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ स्पायरेकल प्रेजेंट है। 2 पेयर प्रेजेंट है थोरेक्स में और 8 पेयर प्रेजेंट है एब्डोमेन में। नेक्स्ट हम बात करें, ईच स्पायरेकल इज अ स्लिट लाइक अपर्चर। कैसे छिद्र होते हैं, कैसे अपर्चर है ये,
स्लिट लाइक अपर्चर है, गार्डेड बाय ब्रिसल्स और हेयर टू कीप द डस्ट आउट। और इन स्पाइरेकल को ब्रिसल्स या फिर हेयर द्वारा गार्ड किया जाता है जो डस्ट को बाहर रखने के लिए, कि कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर बॉडी में इंसर्ट ना हो जाए, उसके लिए ये वर्क करते हैं। मान लो ये स्पिंचर है और स्पिंचर गार्डेड है ब्रिसल्स से, या फिर हम कह सकते हैं हेयर्स के थ्रू, जो डस्ट को अंदर नहीं आने देता। स्पाइरेकल आर ओपन एंड क्लोज्ड बाय वॉल्स रेगुलेटेड बाय स्पिंचर और स्पाइरेकुलर मसल। इस स्पाइरेकल में स्पिंचर लगा होता है, या फिर हम कह सकते हैं वॉल लगे होते हैं। जैसे घर पे हम पानी की टंकी भरते हैं तो वॉल लगा होता है कि भाई पानी की जब जरूरत है तो हम वॉल ओपन करेंगे, नहीं हम वॉल क्लोज करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे एयर का आना जाना लगा रहता है, तो एयर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सफिशियंट अमाउंट में एयर है बॉडी में, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो वॉल क्लोज रहेगा और एयर की जरूरत है तो वॉल ओपन रहेगा। यहाँ पे यहाँ वॉल क्या है, स्पिंचर या फिर स्पाइरेकल मसल। तो हम कह सकते हैं स्पाइरेकल ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं वॉल के थ्रू, जो रेगुलेट कर रहा है स्पिंचर या फिर स्पाइरेकल मसल। और ये स्लिट लाइक होते हैं और हेयर से ये गार्डेड होते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल अंदर बॉडी में नहीं इंसर्ट हो सके। इच स्पाइरेकल इंटरनली लीड्स इनटू अ शॉर्ट ट्रेकियल चैम्बर। जो हर एक स्पाइरेकल है वो इंटरनली एक शॉर्ट ट्रेकियल चैम्बर, या फिर हम कह सकते हैं एट्रियम में जाके खुलता है, एट्रियम में जाके खुलता है। और इसी एट्रियम से फ्रॉम विच अराइजेस ए मेन ट्रेकियल ट्रंक अराइज होता है। अब अगर हम ट्रेकियल सिस्टम में इंक्लूड सेकंड स्ट्रक्चर ट्रेकिया की बात करें, तो द हिमोसील ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच कंटेन ए सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक क्लोज्ड ब्रांचिंग एंड सिल्वरी व्हाइट ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी स्थल पे पाए जाने वाले जो कीट है, उनके हीमोसील में, कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है, उनके हीमोसील में एक इलास्टिक ब्रांचिंग सिल्वरी व्हाइट कलर के ट्यूब्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेकिया, या फिर हम कह सकते हैं कॉकरोच की बॉडी में ट्रेकिया का एक जाल यानी ट्रेकिया का एक नेट या फिर ट्रेकिया का एक नेटवर्क पाया जाता है। कॉकरोच की बॉडी में ट्रेकिया का एक नेटवर्क पाया जाता है। 3 pair of large longitudinal trunks are present. कितने longitudinal tracheal trunks present है? 3 pairs. एक dorsal में, एक ventral में और एक lateral में. और ये जितने भी trunks है, tracheal trunks are connected by transverse commissure. Transverse commissure द्वारा tracheal trunks आपस में connected है. Thoracic spiracle जो है वो leads to several tracheal trunks directly. Spiracle thoracic, thorax part वाले जो spiracle है वो कहाँ lead करेंगे? Several tracheal trunks में directly. और जो abdominal region में पाए जाने वाले जो spiracle है वो कहाँ lead करेंगे? Lateral longitudinal trunk of their sides. Trachea made up of outer epithelium wall and inner chitinous क्यूटिकल। बाहर की तरफ ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एपिथेलियल वॉल, और अंदर की तरफ प्रेजेंट है काइटेनियस क्यूटिकल की लाइनिंग। और यही क्यूटिकल वाली जो लाइनिंग है वो स्पाइरली थिकेंड हो जाएगी और टेनिडिया का फॉर्मेशन करेगी, और यही टेनिडिया आगे जाके प्रिवेंट द ट्रेकियल ट्यूब फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से, डैमेज होने से ट्रेकियल ट्यूब्स को बचाएगी। ट्रेकियल सिस्टम का थर्ड स्ट्रक्चर ट्रेक्योल्स की बात करें, तो ट्रेक्योल्स फाइनर ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के जो फाइन ब्रांचेस है उन्हें कहते हैं हम ट्रेक्योल्स। कम इन कॉन्टेक्ट विद इंडिविजुअल बॉडी सेल्स, हर एक बॉडी सेल, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी के कॉन्टेक्ट में आता है ट्रेक्योल्स, क्योंकि ट्रेक्योल से ही जो ऑक्सीजन है वो वेरियस सेल्स में पहुंचाए जाते हैं बॉडी के। परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए ये पारगम्य होते हैं। वॉल्स वेरी थिन, इसकी जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिन्हें हम कहते हैं ट्रेकियन। अब अगर बात करें हम स्टार्टिंग से, तो क्या हमने पढ़ा था? स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल किस में खुल रहे थे? ट्रेकिया ट्रंक्स में, ट्रेकिया, और ट्रेकिया से निकले फाइन ब्रांचेस ट्रेक्योल्स, ठीक है। और ट्रेक्यूल्स कहाँ आ रहे हैं? हर एक सेल के कॉन्टैक्ट में। स्पाइरेकल से एयर आया ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ट्रेक्यूल्स में। ट्रेक्यूल्स की ब्रांच कैसी है? थिन है, पतली है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जा रहा है इनमें, कौन सा? ट्रेकिन प्रोटीन। और इसके जो टिप्स है, इसकी जो एंड है टिप्स, टिप्स में एक
फ्लूड भरा हुआ है. टिप्स आर यूजुअली फिल्ड विद अ फ्लूड जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है एंड डिफ्यूजेस टू द टिश्यू, और सभी टिश्यूज में वो डिफ्यूज होगी. स्पाइरेकल से गया ट्रेकिया, से ट्रेकिया से गया ट्रेक्योल्स में. ट्रेक्योल्स के टिप्स पे भरा हुआ था फ्लूड जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होगी और पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स टिश्यू हैं उनके पास जाएगी, क्योंकि ट्रेक्योल्स ही है जो हर एक सेल के कॉन्टैक्ट में आ रहा है. कम इन कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल बॉडी सेल्स. ट्रेकियल सिस्टम के डोर्सल व्यू को देखें तो ये क्या है, मेन ट्रेकियल ट्रंक जो कहाँ जा रही है, विंग्स को. थोरेसिक स्पाइरेकल, ये है फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरेकल. लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक, ये वाले लेटरल, ये वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक, और ये ट्रांसवर्स कमीशन, और ये लास्ट है एर्थ एब्डोमिनल स्पाइरेकल. अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस करें कि कैसे ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन वर्क करता है, तो इसमें क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है. एब्डोमेन में मसल्स पाई जाती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ टर्गो स्टर्नल मसल प्रेजेंट इन एब्डोमेन. कौन सी मसल, टर्गोस्टर्नल मसल का प्रेजेंट है एब्डोमेन में प्रेजेंट टर्गोस्टर्नल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है. जब इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तब ट्रेकिया के डायमीटर में चेंज आता है, जिसकी वजह से जो स्पाइरेकल्स है, स्पाइरेकल्स से एयर इनसाइड ट्रेकियल ट्रंक्स में एंटर करती है. और ये टर्गोस्टर्नल मसल कहाँ प्रेजेंट है, मसल्स अटैच बिटवीन टर्गल एंड स्टर्नल प्लेट्स, टर्गल एंड स्टर्नल प्लेट्स के बीच में अटैच है ये मसल्स. सबसे पहले क्या हुआ, टर्गोस्टर्नल मसल कहाँ के, एब्डोमेन के, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड रिलैक्सेशन हुआ जिसकी वजह से ट्रेकिया के डायमीटर में चेंज आया. ट्रेकिया के डायमीटर में चेंज आने के कारण स्पाइरेकल्स से एयर आए इनसाइड ट्रेकियल ट्रंक्स, और इस ट्रेकियल ट्रंक्स, अब देखो अगर ये रिलैक्स स्टेज में, ये मसल्स जो है ये रिलैक्स स्टेज में है तो क्या होगा, इंस्पायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है. अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब होगा एक्सपायरेशन, और ये है एक्टिव प्रोसेस. थ्रू स्पाइरेकल्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किया जा रहा है स्पाइरेकल्स के थ्रू, क्योंकि स्पाइरेकल्स के थ्रू ही O2 लिया जा रहा है एंड CO2 आउट किया जा रहा है. फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरेकल ऑलवेज ओपन. स्पाइरेकल डिफरेंट पेयर में थे तो फर्स्ट और थर्ड पेयर जो है वो हमेशा ओपन रहता है, और रिमेनिंग बाकी के जो 8 पेयर है वो सिर्फ एक्सपायरेशन के टाइम पे ही ओपन होता है. इंस्पायरेशन के टाइम पे ही ओपन रहता है जो 8 पेयर है. इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, एयर एंटर्स द स्पाइरेकल. इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या हुआ, मैंने ऊपर बताया एयर कहाँ आया, स्पाइरेकल्स में, स्पाइरेकल्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ट्रेक्योल्स में, ट्रेक्योल्स में भरा हुआ है फ्लूड, ट्रेक्योल्स में क्या भरा हुआ है फ्लूड. ऑक्सीजन डिफ्यूज स्लोली थ्रू फ्लूड इनटू बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, और इसी फ्लूड से क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होंगे स्लोली थ्रू फ्लूड इनटू बॉडी सेल्स और टिश्यू तक. और एक्सपायरेशन में क्या होता है, सम CO2, कुछ CO2 तो स्पाइरेकल्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं, और मेजर पार्ट ऑफ CO2, ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज्ड आउट थ्रू द क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ द बॉडी. बॉडी पे क्यूटिकल की कवरिंग थी, उस कवरिंग के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है बॉडी से आउट. CO2 ऑल्सो डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रेजेंट है बॉडी में, और कुछ CO2 प्लाज्मा के साथ डिजोल्व होता है. वहां पे डिजोल्व होने के बाद ये पहुंचता है बॉडी सरफेस पे, बॉडी सरफेस से फिर CO2 हो जाता है बॉडी से बाहर. तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, टर्गोस्टर्नल मसल जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण. जब इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ तब ट्रेकिया के डायमीटर में चेंज आया. ट्रेकिया के डायमीटर में चेंज आने के कारण स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर गए ट्रेकियल ट्रंक्स में, ट्रेकिया से एयर गया ट्रेक्योल्स में, ट्रेक्योल्स में फ्लूड प्रेजेंट था, उन फ्लूड के साथ ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ और बॉडी के हर एक सेल और टिश्यू तक पहुंचा. अब बात करें एक्सपायरेशन की, तो कुछ CO2 तो स्पाइरेकल्स के थ्रू बाहर चले गए, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज हो गया थ्रू क्यूटिकल कवरिंग ऑफ द बॉडी, और कुछ जो CO2 बच गया वो प्लाज्मा के साथ डिजोल्व हो गया, बॉडी सरफेस पे आके पास आउट हो गया बॉडी से बाहर.
अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखें, जब इंसेक्ट एक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म मतलब जैसे कि हम यहाँ पे कॉकरोच का डिस्कस कर रहे हैं, तो मान लो जब कॉकरोच फ्लाइंग स्टेज में होता है तब क्या होता है, व्हेन इंसेक्ट इज इन एक्टिव फॉर्म तब उसका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब इंसेक्ट एक्टिव फॉर्म में रहता है तब उसका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेक्योल्स के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है, ट्रेक्योल्स में फ्लूइड प्रेजेंट था तो मेटाबॉलिक रेट और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने के कारण इनमें ट्रेक्योल्स में जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट था वो सराउंडिंग यानी आसपास के टिश्यू में वापस ले लिया जाता है और उस टिश्यू फ्लूइड की जगह वहां पे एयर फिल हो जाता है। अब ये एयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टिश्यू में प्रभावित हो जाता है कि कितने अमाउंट में एयर चाहिए टिश्यू को, उस हिसाब से ये एयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टिश्यू में प्रभावित हो जाता है। दिस एक्सपोजेस मोर सरफेस वॉल ऑफ ट्रेक्योल्स टू ऑक्सीजन, इसकी वजह से मोर सरफेस वॉल ऑफ ट्रेक्योल्स को ऑक्सीजन मिलती है, सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सराउंडिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सराउंडिंग में प्रभावित हो सके। क्या हुआ, जब इंसेक्ट एक्टिव फॉर्म में था मेटाबॉलिक रेट हाई हुई, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ट्रेक्योल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट था वो आसपास के सराउंडिंग टिश्यू में ले लिया गया और वहाँ पे एयर फिल हो गई और वो एयर रिक्वायरमेंट के अनुसार टिश्यू में प्रभावित हुई। ये देखिए, ये डायग्राम है टिश्यू विद फ्लूइड एट रेस्ट, ट्रेक्योल्स विद फ्लूइड एट रेस्ट, जब रेस्ट स्टेज में, ये था एक्टिव स्टेज का, एक्टिव स्टेज का, और ये है जब फ्लूइड भरा हुआ है रेस्ट स्टेज में, ट्रेक्योल्स में जब फ्लूइड फिल्ड है, जब ऑर्गेनिज्म रेस्ट में है। बॉडी वॉल, ट्रेकिया, स्पाइरिकल्स, टेनिडिया, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, एपिथेलियल सेल्स, बाहर से एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई थी, अंदर की तरफ क्यूटिकल की लाइनिंग थी, ट्रेकियल सेल्स, और ये ट्रेक्योल्स हैं जिसमें ये देखो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है। अब वर्क की बात करें तो ट्रेक्योल्स में टिश्यू फ्लूइड नहीं है, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ था, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड नहीं है, टिश्यू की जगह यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड की जगह यहाँ पे क्या है, एयर भर गई जो रिक्वायरमेंट के अनुसार बॉडी के सेल्स में टिश्यू में प्रभावित हो जाएगी।